कोरोना वायरस से देश में तीसरी मौत मुंबई में हुई। संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 137 हुई। दो नए मरीज नोएडा में मिले। कोरोना वायरस के चलते महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट का बड़ा फैसला। राज्य में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी दफ्तर 7 दिन तक रहेंगे बंद। कोरोना वायरस से एयरलाइन कंपनियों को जबरदस्त नुकसान। एयर इंडिया की दो पायलट यूनियनों ने सरकार को पत्र लिखकर वित्तीय सहायता मांगी। गो एयर ने सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 15 अप्रैल तक अस्थायी रूप से निलंबित किया। ताजमहल समेत सभी पर्यटक स्थल बंद किए गए। मुंबई के सिद्धिविनायक समेत कई मंदिरों पर ताला। देश भर में स्कूल, कॉलेज और मॉल बंद रखने की सलाह। अफगानिस्तान, फिलीपींस, मलेशिया, तुर्की और यूके समेत कई देशों के नागरिकों पर 31 मार्च तक भारत आने पर रोक। कोरोना वायरस को लेकर भारतीय रेलवे ने 250 स्टेशनों पर 5 गुना बढ़ाया प्लेटफॉर्म टिकट का दाम। 10 रुपए की जगह अब 50 रुपए का हुआ प्लेटफॉर्म टिकट। राहुल गांधी का सरकार पर हमला। कहा, देश में आने वाली है आर्थिक सुनामी, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही। पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने पर विपक्ष ने सवाल उठाए। रंजन गोगोई बोले, शपथ लेने के बाद राज्यसभा जाने की वजह बताऊंगा। मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्ट के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल फिर सुनवाई। सीएम कमलनाथ ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर 16 विधायकों को आजाद कराने की मांग की। और टोक्यो में होने वाले ओलंपिक 2020 पर कोरोना वायरस का साया। कई स्थानीय प्रोग्राम रद्द हुए।